हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं जा रही हूँ सदर मार्केट, सो स्टे ट्यून्ड। दिखाती हूँ मैं आज क्या शॉपिंग करती हूँ वहाँ से, और बहुत सारा आज फन होने वाला है। पूरा ब्लॉग शूट करूँगी वहाँ का, शॉपिंग ब्लॉग, और कहाँ कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो वहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड आज मैंने थोड़ा सा एथनिक लुक किया है, इस टाइप के इयररिंग्स डाले हैं, एंड मैंने कुर्ता वेयर किया है। दिखाती हूँ मैं अभी आपको फुल लुक। मैंने कुर्ता डाला है, एंड इसके नीचे डाली है ये जीन्स। सो लेट्स गो। कमेंट्स में बताना कैसा लगा लुक। तो चलते हैं गाइस मेट्रो से, आज करेंगे मेट्रो रूट। और वैसे तो सदर मार्केट जाने के लिए मेट्रो ही बेस्ट है, बिकॉज़ वहाँ पे पार्किंग नहीं है कुछ, तो कार ले जाना सेफ़ नहीं है उधर पे, वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है कार लेके जाओ तो। सो मेट्रो रूट इज़ बेस्ट फॉर द सदर मार्केट एंड चांदनी चौक। सो लेट्स गो। तो करो आप भी मेरे साथ मेट्रो सफ़र। और मेट्रो के वैसे तो बहुत सारे रूट है जाने के लिए। आप 30,000 मेट्रो स्टेशन से जा सकते हो, वहाँ से रिक्शा ले सकते हो, आर के आश्रम मार्ग से भी ले सकते हो, और चांदनी चौक भी उतर के आप रिक्शा ले सकते हो। तो मैं वेट कर रही हूँ यहाँ राजीव चौक पे अपनी फ्रेंड कनिका का। सो हम दो लोग जा रहे हैं आज, तो अभी जस्ट वो आने वाली है, तो आई एम वेटिंग फॉर हर, और फिर चलते हैं। तो वो भी अब आ चुकी है, अब हम मैं बता देती हूँ आपको कौन सी साइड से आप यहाँ पे एग्ज़िट करोगे आर के आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन से। तो यहाँ पे आप पहाड़गंज वाली साइड से नीचे स्टेयर से उतरोगे एंड रिक्शा लोगे। हेलो, मास्क उतारो, शक्ल दिखाओ अपनी, ले जा अपनी। कहाँ जा रहे हो? सदर। चलो गाइस चलते हैं सदर और आपको दिखाते हैं। आज बहुत गर्मी है गाइस, बट आना भी ज़रूरी था, मेरी वॉइस आपको आनी थी होगी, पीछे बहुत ट्रैफिक हो रहा है इधर। सो गाइज यहाँ पे यही हाल रहता है, एकदम पैक हो जाता है रोड, बिकॉज़ ये सब जो लोड होके जा रहा होता है सामान, उसकी वजह से बहुत ट्रैफिक रहता है। तो हम लोग को पहले ही उतरना पड़ गया था, बिकॉज़ आगे चल ही नहीं पा रहा था। फिर हम रिक्शे से उतरकर साइड से पैदल पैदल जा रहे थे, बिकॉज़ रिक्शा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, इतना ट्रैफिक था। अब देखो आप क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाड़ी लाना इसलिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज़ गाड़ी लाओगे तो उधर ही खड़े रहोगे, कि पार्किंग की जगह है ही नहीं। तो अब हम पहुँच चुके हैं रोई मंडी। तो गाइस फेस्टिवल है जैसे दिवाली एंड करवा चौथ, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो जितना कवर हो पाएगा मैं कवर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्या क्या अभी अवेलेबल था यहाँ पे फेस्टिवल्स के लिए। सो स्टे ट्यून विद मी। दो के चार कर दिए, 100 रुपए के चार ले जाओ।
सो एज यू नो गाइज, करवा चौथ आ ही रहा है बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ एंड इस टाइप से बॉक्सेस मिल रहे थे 100 रुपीज़ से ये स्टार्ट था। कोई 100 के 4 थे, कोई 80 का था, कोई 800 का था, तो सब रेंज के थे यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे। इसका भी माल है ना पड़ा हुआ, ये वाला ये भी ले लेना। और ये वीडियो बंद कर लो पहले। सो अब हम आ गए थे हेयर एक्सेसरीज की शॉप पे। यहाँ पे हेयर पिंस, हेयर एक्सेसरीज, बहुत अच्छे अच्छे हेयर क्लिप्स बच्चों के लिए थे। और कनिका ने भी यहाँ से कुछ लिया अपने लिए, मैंने भी हेयर क्लिप्स लिए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीट्स, पर्ल्स वाले और यूनिकॉर्न, बहुत ये सब और ये इतने ट्रेडिशनल टाइप्स भी सब बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज थे, देखो सामने हेयर क्लिप्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, कलरफुल हेयर क्लिप्स हैं। कोई फ्लावर्स वाली थी, कोई टेडी बियर वाली। और यहाँ पे 60 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, 60 रुपीज़ का पर कार्ड था, तो अच्छा था, अफोर्डेबल था एंड बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे गाइस। पेंस तो सही निकलेंगी? नहीं, सही निकल देंगे, कभी तो लगा रहते हैं। एंड अगेन मैंने कुछ हेयर एक्सेसरीज ली थी, गोल्डन, सिल्वर और ये स्टोन्स वाले एंड ये स्मॉल रोजेज वाले एक्सेसरीज लिए थे, बिकॉज क्लाइंट्स को ये सब पसंद आता है। एंड ये हेयर पिंस हमने ली थी, ये नियोन हेयर पिंस थे एंड ये अलग अलग शेप्स के एंड कलरफुल थे, तो ये सारे हमने हेयर पिंस लिए थे। यहाँ पे थे हैंड बैग्स, क्लचेस एंड स्लिंग बैग्स जो 250 से स्टार्टिंग थी। तो पर्स तो मेरे को इतने कुछ अच्छे नहीं लगे, तो यहाँ से हमने ऐसा कुछ नहीं लिया, बट हाँ बहुत लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे थे। तो इस शॉप पे थे हेयर एक्सटेंशन, बहुत अच्छे अच्छे हेयर एक्सटेंशन थे, कर्ल्स वाले, ब्रेड्स वाले, बन टाइप सब कुछ था। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, हेयर एक्सेसरीज भी थे। तो ये है भगवान ज्वेलर्स की शॉप, यहाँ से मैंने पहले भी ज्वेलरी खरीदी हुई थी, तो यहाँ पे भी हम आए थे देखने की क्या क्या, बिकॉज इन्होंने भी हेयर का भी न्यू नीचे स्टोर ओपन कर लिया था। तो मैंने यहाँ से डोनट बंस लिए, कितने का भैया? तो यहाँ पे थी करवा चौथ की थाली डेकोरेटेड बहुत अच्छी, इधर गोल्डन वाली थी, उधर रेड वाली, तो ये 150 से स्टार्ट थी। देख ले कुछ साइज समझ में आ रहा होगा, कहीं गलत ले लिया, फायदा क्या पहले की। कितने की है? हो गई शॉपिंग, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ आके? बहुत बुरा, सीरियसली बहुत बुरा। और बहुत ज्यादा रश है, इतने वो घूमते रहते हैं यहाँ पे होलसेल के ठेले वाले है ना, कुछ नहीं पता साइड में से कोई कुछ भी मार देगा। और अभी भी हम लोग ई रिक्शा में बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, दिखाती हूँ आपको ट्रैफिक। वो देखो सामने वेट करते करते वो तो बंदा सो ही गया, बिकॉज रिक्शा आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। सो गए बंदे।
सो गाइज हमने की थी बहुत सी शॉपिंग और अच्छा एक्सपीरियंस था, बट रश की वजह से ना बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।